अर्चना जी, हाँ, आज मैं बहुत टुन हूँ, तो अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकले तो ऐसे माफी मांगना, क्योंकि गलती आप ही की होगी। देवेंदु भाई, आपसे मोहब्बत किस कदर है देखो, पिक्चर में आप मर जाते हैं, आपकी फोटो टांगते हैं, हमने बदला लीड रोल के फोटो लगा के किया है। श्रद्धा, आपको देख के मम्मी की याद आती है, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसी बहू चाहिए। मैंने बोला नॉट अ बिग डील, मैं यूं पटा के लाऊंगा, लेकिन मम्मी तू सोच, ऐ समझी शक्ति जी तुझसे गले लगेंगे। उस दिन पहली बार मेरे बाप के मुंह से आऊ निकला है। चल भाई, मैं शराबी बना हूं, लेकिन मैं अंडर प्ले कर रहा हूं। अच्छा। क्योंकि फिजिकल भी मैं करूंगा तो सिद्धार्थ सागर क्या करेगा। ये चीज मैंने बलराज से सीखी है। अच्छा। वो कभी फिजिकल नहीं करता। अगर इसको फिजिकल करना आता तो 44 साल तक कुंवारा थोड़ी रहता। चल भाई, सच बताएं, हमारी स्थिति भी बहुत खराब चल रही है। 3 साल हो गए शादी को, अब तक सिर्फ घूंघट ही उठा पाया हूँ। अरे आई हैव फैमिली प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ, एक कमरे का घर है और 45 लोग रहते हैं। रात में सोते वक्त सब एक साथ खराटा लेते हैं तो ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री चल रही है। हमारे घर में सोहेल भाई को घुसता है ना तो सर पे चद्दर रख के और हाथ जोड़ के घुसता है, क्योंकि 55 जोड़ी चप्पल बाहर होती है, उसको लगता है अंदर जगराता चल रहा होगा। अंदर जगराता चल रहा है, पर हमारी कोई रात जगने वाली नहीं चल पा रही है, इसलिए हमने बैंड स्टैंड चुना है। अरे ये देखो साला, यहाँ भी लाइट लगा दिया। शहर का यही एक कोना था जहाँ प्यार पनपता था। वाह, समझ में नहीं आता है वो अंधेरे के खिलाफ है या मोहब्बत के। तेरे को तो फोड़ के मानूंगा मैं। या तो जल जा या बुझ जा बल, ये बन बुझ क्या लगा रखी। शर्म कर साले, श्रद्धा कपूर बोल रही है। अगर हमको बोल दे तो खुशी के मारे हम फूट जाएंगे साले। अरे सुनिए, गजब हो गया, गजब हो गया। 3 साल से सिर्फ गजब हो रहा है। ऊफ कब होगा? ऊपर उल्लू नहीं, ऊफ और थप्पड़। ऊपर थप्पड़? ऐसा थप्पड़ मारेंगे मुंह से ऊ निकल आएगा। तेरे को पता प्यार क्या होता है? तो बता, प्यार, इश्क, मोहब्बत, उल्फत क्या होता है? पर्यायवाची सब। अच्छा सुन, तू जिस स्कूल में पढ़ाती है, तेरा मन नहीं करता है कि उस स्कूल में तेरे बच्चों का भी नाम लिखा जाए? हाँ हाँ, मैंने तो बच्चों का नाम पहले से ही सोच लिया है। सीधे नाम पे पहुंच गई, केबल लगा के घूम रहे हैं, टीवी का पता ही नहीं है। क्या करूं मैं तेरा, तेरी तो मैं साले, क्यों खड़ा है? अरे इतने बड़े स्टेज पे आया हूँ, कुछ ना कुछ तो उखाड़ूंगा ना। ए, क्या कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ। तो हम दोनों उन दोनों को धोखा दे रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। तेरा मुंह सूंघ रही हूँ। ये देखो अनीता हसनंदानी, 4 लाख पर एपिसोड लेके हमारा मुंह सूंघने आती है। टिंगल कर रहा है? हाँ रुक जा, तुझे तो मैं बिठा के मारेगी। कहाँ बिठा के? कील की कुर्सी पे। कंफ्यूज हो जाएगा कि तू चिल्ला क्यों रहा है, कील के वजह से या मेरे थप्पड़ के वजह से। बहुत टाइम वेस्ट कर रहे, तू मुझे ये बता, ये सरकार का तूने तोड़ा क्यों? अरे यार, मैं कहता हूँ इसको लगाया क्यों? कौन सा बेंशन पे कछुए अंधेरे में गैलेक्सी में घुस जाते हैं? सुहेल भाई, जिस गैलेक्सी में अर्चना जैसे मगरमच्छ को धक्का मार देते हैं, उधर कछुए कहां से जाएंगे? क्यों लगाया? तेरे को तो मैं बाद में देखेगी। ए, तू कौन है? हम इनकी पत्नी है। ओ, पत्नी को बैंड स्टैंड लाया है। ये प्रोग्राम तो घर पे भी चल सकता है ना? अबे मेरे घर पे प्रॉब्लम है, इतना छोटा सा मेरा घर है, उसमें 45 लोग रहते हैं, अगर एक नंबर करना होता है तो 12 लोगों के पेट पे लात रख के जाना पड़ता है। हो गई तेरी राम कहानी खत्म, अब निकल यहाँ से, जल्दी निकल। अरे यार, कम से कम आधा घंटा तो बैठने दो ना। आधा घंटा तो मैं कब बैठ
बैठूंगी रोहित के साथ। जो रोहित कौन है? मेरा हस्बैंड है। वो क्या है ना, मेरी भी जॉइंट फैमिली है, तो टाइम नहीं मिलता। 5 साल हो गए शादी को पर कुछ भी नहीं हुआ। पत्थर उठा और कोई और बल्ब तोड़ जाके बैठ जाना खोपचे में। गुड आइडिया। ये पत्थर से दूसरा तोड़ देता हूँ। अब बत्ती गुल हो ना हो, हमारा मीटर तो चालू होगा। बैठो बैठो बैठो। ओह माय गॉड बाबू, यहाँ पे कितने कैमरास हैं। अरे बाप रे, कैमरा। दीदी जाओ यहाँ से, दीदी जाओ यहाँ से, आगे से, हट, आगे से, हट। कैमरा इमेज खराब है, माफ करना। ये मेरा नहीं है। कहाँ फेंकू, कहाँ फेंकू? कचरे की पेटी, कचरे की पेटी, यही तो है। भाई देख लो, जिंदगी भर बियर पी मैंने, आंखों से आंसू की जगह बियर निकल रहा है। स्ट्रॉन्ग है, बी स्ट्रॉन्ग विजय सालिया, बी स्ट्रॉन्ग। अर्चना जी, पहचाना? अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल गई आप? जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे तो कहती थी वहां चलते दारू पीनो। आज मैं गरीब हो गया तो फोन भी नहीं उठाती मेरा। मुझे पता है, मुझ जैसे धोखेबाज को छोड़ के आपने नया धोखेबाज बॉयफ्रेंड बनाया है, विपुल दिशा। एटीएम, मेरे सामने एटीएम रख के बड़ी बेवकूफी की तुम लोगों ने। ये देखो, मैं जिससे गले मिलता हूँ उसका चुरा लेता हूँ। देखो किसका है। ला 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 ले लो, आपके खाते में 26 रुपए हैं। किसका है ये? ये तो ज्वाइंट अकाउंट है, परमित और अर्चना, 26 रुपए। 20 परमित के, 6 आपके। क्या बात है, 4 एपिसोड के पैसे मिल गए। ला 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 लो, ना मिले तो छीन लो। हाय हाय, लेकिन मेरी इमेज बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए मैं अपना बायोपिक बनाना चाहता हूँ, और मैं उस डायरेक्टर को बुलाना चाहता हूँ जिसने अभी अभी बायोपिक बनाई है संजू की। नहीं, वो तो हिट हो गई ना। हाँ, दूसरी बायोपिक बना रहे, संजय दत्त को हीरो ले रहे हैं उसमें। नहीं, अर्चना पूरन सिंह की बायोपिक है ना। नाम है वन मैन मैनी रिजेक्शंस। पहचाना? नहीं पहचाना, एक मिनट। ए सालिया! देखा अर्चना जी, इसे कहते हैं आइडेंटिटी। अबे कैसी आइडेंटिटी है बता यार, हैं? पूरे देश की बत्ती गुल करके अपना मीटर चालू है जी इसका। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मेरा बायोपिक बना के मेरा इमेज ठीक कर दो। देखिए, आपने लाइफ में जितने कांड किए ना, 2 घंटे की फिल्म में सब कुछ कवर कर नहीं पाएंगे। आप क्राइम पेट्रोल वालों के पास जाइए, कम से कम 200 एपिसोड गारंटीड है। मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? मैंने दिखा दिया करो ना यार, ये इतना लंबा लंबा बुलवा दो। नहीं यार, मेरे को नाम आपकी बायोपिक का पता लग गया। हाँ, विजू, वन मैन मेनी लोन्स। देखिए, जो आपकी पिक्चर है ना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। आपने गदर देखी है? गदर देखी हमने, हैंडपंप वाली, बिल्कुल। हाँ, उसका सिक्वल बनाओ, गद्दार, एक प्लेन कथा। वो आप ये बताइए, आपकी स्टोरी क्या है? अपना लाइफ कभी इस बैंक तो कभी उस बैंक। किसी दिन कड़की की वजह से अकाउंट ने जवाब दे दिया, फिर सीए ने बोला 13 चैप्टर क्लोज। फिर अपुन ने एक दिन ऐसा लोन लेके भागा, ऐसा लोन लेके भागा कि लोग विपुल दिशा से कंपेयर करने लगे। फिर मैंने पाई 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 तक नहीं छोड़ी। तो ये पहला लोन कब लिया था आपने? गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने के लिए। ओह, सो क्यूट। और दूसरा? उसी गर्लफ्रेंड का मुंह बंद करने के लिए। उसके अलावा कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी? संजू की कितनी थी? मेरे को 350 बताई थी कुछ। बस उसका दुगना समझ लो, क्योंकि मैं नशे में नहीं था भैया, मैंने प्रॉपर गिनी है 712।
झूठ बोल रहा है ये आदमी। गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो और मुझे भूल गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। ताज होटल नहीं, ओबरा होटल। अरे कौन से होटल की रिसेप्शनिस्ट थी तुम? देखो बकवास मत करो, चलो मेरे पैसे दो। हाँ। तुमको हीरोइन बनना है? हाँ, मुझे बनना है। राजू भैया जो मेरी बायोपिक बन रही है ना, हाँ, उसमें एक बड़े से क्राउड में छोटा सा रोल दे दो इसको। दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्टिंग आती है आपको? हाँ, मैं श्रोता की मिमिक्री कर सकती हूँ। कमाल है, करिए करिए करिए। ए विलेन, ए मैडम इस साइड एक बार कर दीजिए। ए विलेन, वो क्या है, दोनों कान बराबर खराब होने चाहिए ना। अच्छा अब क्या करते हैं, आपकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब ये छठा सीन आपका, छठा सीन है। मैं क्या कर रहा हूँ? आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो। ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ? आप गाड़ी के अंदर बैठी हुई हो। वाह, मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ और गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गई खाई के अंदर। सुनो, तुम्हारे पास कोई बेड सीन है? आपको कोई भी सीन देंगे, बेड तो आप करी दोगी। ये तुम्हारा दगाबाज क्यों बजा बे? अब सब कुछ खुल ही गया है तो मैं सब कुछ खोल देता हूँ। बाय। नीरव, नीरव आपका छोटा भाई है। अरे छोटा। नीरव सूडी। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अभी 19,000 करोड़ तो मैं भी लेके भागा हूँ, लेकिन आपके छोटे भाई ललित क्रिकेट वाले आपको इतना मिस करते, बोलते एक शहर मेरे के मिलते नहीं। आप एक बार फोन लगाता हूँ। फोन करो, फोन करो। ललित भाई क्रिकेट वाले। इसका कैसे बजा बे? वो क्या है नाम, मैं ललित हूँ। हे भगवान, जब इतना कुछ चेंज करवा रहे थे तो मुंह सना सही तक क्यों लगवाया? श्रद्धा कपूर का लगवाते? वो क्या है ना, कॉमेडी सर्कस में तुम दोनों से ज्यादा सना सही चल रही है। इसी बात पे एंड बनता है भैया। क्या कुछ हुआ वो यहाँ पर एक्टर्स हमें खुद बताने वाले हैं। आप सबके सामने कुछ एरोज पड़े होंगे, मैं यहाँ से कुछ सवाल आपसे पूछने वाला हूँ और स्पेशली शाहिद भाई हमारे साथ हैं। शाहिद भाई। अभी वो प्याज की छिलकी थोड़ा स्टाइल मारा, हुल दिया, इतने में दूर होता है क्या? अभी तो हीरो ने एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या। अभिलाष। हाँ। काम कर अपना। पहला पोस्टर जो फटेगा तो पीछे से हीरो नहीं निकलने वाला है। ओके, तो सवाल जो आपसे पूछने वाला हूं, इन एरोज का यूज करना है और आपको लगता है कि जो सबसे परफेक्ट आंसर है उसकी तरफ आपको एरो पॉइंट करना है। शाहिद भाई रेडी? रेडी। खाना खाने के बाद डकार कौन मारता है आपने? फॉर अ मोमेंट आई थॉट इज पॉइंटिंग टू मी, मैं तो फिल्म में भी नहीं हूं। शायद भाई ये किसकी तरफ कर रहे हो? एक सेकंड, ये वहां तो चार लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा अर्चना। शायद भाई बोला ना उन्होंने, वो फिल्म में नहीं है। आ, फिल्म में नहीं, अपने घर में डकार मारती थी, आवाज सेट तक आती थी। आप में से कोई ऐसा इंसान था जो हमेशा सेट पर लेट आता था? आपके पास शाहिद कपूर का ऑप्शन भी है।